माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सारे हिंदुस्तान में सोने चांदी का व्यवसाय करने वाले और कारीगरों की पीड़ा से आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि सारे हिंदुस्तान में 411 भारतीय दंड विधान की धारा के आड़ में और लाभ प्राप्त करने की नीयत से 411 के क्रियान्वयन के दुष्परिणाम स्वरूप पूरे स्वर्णकार समाज के लोग और कारीगर पीड़ित हैं। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं, कई आत्महत्या के भी मामले सामने आए हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भारतीय दंड विधान की धारा 411, उसके अंतर्गत ये धारा जब गठित होती है कि जब औने पौने दामों में कोई चीज़ खरीदी जाए और उसका कोई रिकॉर्ड ना रखा जाए तब ये धारा गठित होती है, लेकिन रिकॉर्ड रखने के बाद बाजार भाव से सामान खरीदने के बाद एक्चुअल चोरी तो चोर की नहीं होती, सुनार की होती है, कारीगर की होती है। एक बार तो दाम देता है विक्रेता को और फिर पुलिस के एक्सप्लाइटेशन से उसको पीड़ित होना पड़ता है, और तीसरा उसका सामान जब्त होता है। तीन तीन चोरियाँ सराफों की, स्वर्णकारों की होती हैं। भगवान ने जिनको अपने आप को सजाने का और आदमियों को सजाने का कर्तव्य निर्धारित किया है, उनकी इतनी दुर्दशा है कि उनके खिलाफ इस तरह पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित होकर के मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि भारतीय दंड विधान की धारा 411 में एक परंतु जोड़ दिया जाए कि यदि बाजार दाम से सामान खरीदा है सोने चांदी के व्यवसाय करने वालों ने, रिकॉर्ड रखा है, किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता कि कोई चोर है, हमने आधार कार्ड और रिकॉर्ड लिखा है, दस्तखत करा है, उसके बावजूद उसके खिलाफ 411 का प्रयोग किया जाता है। आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि ये परंतु इसमें जोड़ा जाए।